No. Done. मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? Select your team on Play Store and start playing अपना game. Download the app now. अहम दो पॉइंट सीएसके के लिए, अगर आगे क्वालिफाई करना है तो यहां से लगभग सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे सीएसके के लिए, लेकिन आज का मैच उस हिसाब से, उस लिहाज से बहुत ही जरूरी था, जो कि जीता 20 रन से एसआरएच के खिलाफ सीएसके ने। तो इसी मैच के बारे में बात करते हैं, पांच टॉकिंग पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट अप्रोच, इसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए टीम बुरी नहीं है लेकिन अप्रोच थोड़ा सा ठंडा इसके पहले मुझे लगा था, तो कुछ अलग करने की जरूरत थी, थोड़ा सा और अग्रेसिव होने की जरूरत थी, अटैकिंग होने की जरूरत थी, और वही हमने देखा स्टार्टिंग फ्रॉम। आप अगर प्लेइंग 11 देख ले, वहां पे एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाया, पीयूष चावला को खिलाया जगदीशन की जगह, उसका मतलब ये कि थोड़ा सा और अटैकिंग माइंडेड आप होते हैं, जहां आप कहते हैं कि नहीं अब जो भी होगा रन हम बना लेंगे, चेस कर लेंगे या डिफेंड कर लेंगे, तो वो एक अटैकिंग मूव था मेरे लिए। ऊपर से दूसरा पॉइंट टॉस, टॉस बहुत ज़रूरी, क्योंकि अब जो धीरे धीरे पिचेस हैं वो थोड़ी सी जो है धीमी होती जा रही हैं, जहाँ पे स्पिन ज़्यादा जो है लाभदायक हो सकता है। और सीएसके की टीम की तरफ अगर आप नज़र डालें तो सीएसके का टीम जो बनाया गया था या बनाया गया है पिछले इतने सालों से, वो दिमाग में चिपॉक का वो ग्राउंड, होम ग्राउंड दिमाग में रख के बनाया गया था, जहाँ पे 150-160 के मैचेस होते हैं, बॉल थोड़ा रुक के आता है, स्पिनर्स का काम ज़्यादा होता है, तो लगभग ये पिच भी वैसे ही था, तो इस कारण टॉस जीतना बहुत ज़रूरी था और टॉस जीत के पहले बैटिंग, क्योंकि ज़्यादातर टीमें जो हैं वो बैटिंग करके ही मैच जीत रही हैं, और साथ में सीएसके चेस करते हुए थोड़े से फीके लगे हैं, तो उस लिहाज से भी दो कारणों के लिए टॉस बहुत ज़रूरी था, एक पहले बैटिंग करना और दूसरा जितना मैच आगे चलता जाएगा और धीमा होता जाएगा वो पिच, और वहाँ पे स्पिनर्स जो हैं, क्योंकि तीन स्पिनर्स के साथ उतरे थे तो वो फ़ायदा हो सकता था और हुआ भी है सीएसके को। तीसरा पॉइंट सैम करेन से ओपन करवाना। देखिए ये जो वो मोमेंटम हम बात कर रहे थे, एक बात कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए, एक स्पार्क चाहिए, और वो स्पार्क मिला सैम करेन ओपन करने से। 31 रन बनाए 21 बॉल में, खूब ज़्यादा रन नहीं, लेकिन वो मोमेंटम, जो वो गति ज़रूरत थी, जो एक स्पार्क की ज़रूरत थी बैटिंग में सीएसके को, वो दिलाया सैम करेन ने। बॉलिंग के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट वार्नर, क्योंकि हम सब जानते हैं एसआरएच के दो बल्लेबाज हैं, अगर वो शुरू में चले तो आसान हो जाता है एसआरएच के लिए, वरना थोड़ा प्रॉब्लम है। वार्नर बेस्टो, वार्नर को चलता किया उन्होंने शुरू में, 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। साथ में ओपनिंग में जो वो काम किया है, आते ही टकाटक रन निकाल दिया, वो मोमेंटम दे दिया, वो स्टार्ट, वो बहुत ज़रूरी। तो सैम करेन का वो एक्सपेरिमेंट बतौर ओपनर आई थिंक आगे भी करना चाहिए सीएसके को, और गेंदबाजी तो वो अच्छी कर ही रहे हैं इस पूरे सीजन में। टॉकिंग पॉइंट नंबर 4 विलियमसन, कमाल के बैट्समैन है, मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैट्समैन है विलियमसन। उसका कारण ये है कि बिग हिटर नहीं है, लेकिन आज भी लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से बनाया उन्होंने रन। जो खास बात उनके बारे में है वो ये कि जैसे उस दिन मैं कह रहा था विराट के बारे में कि विराट 90 रन में जो 52 गेंदों में 90 रन बनाया उस दिन, उसमें सिर्फ मेरे ख्याल से 5 डॉट बॉल थे। यहाँ पे भी विलियमसन भी काफ़ी हद तक वैसे ही हैं। अब उन्होंने जो रन बनाए उसमें 57 रन बनाए, उसमें से 7 चौके हैं, वो 7 चौके के वो 28 अगर रन हटा दें और 7 गेंद हटा दें तो बाकी के उन्होंने 29 रन 32 गेंदों में बनाए, मतलब ऑलमोस्ट रन अ बॉल। तो ये एक बहुत बड़ा जो गुण है वो काफ़ी बल्लेबाजों में नहीं है, काफ़ी बल्लेबाज बाउंड्री हिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन विराट विलियमसन इनकी खासियत यह है कि जब वो बाउंड्री नहीं भी लगा रहे होते हैं तब भी रन अ बॉल खेल लेते हैं, और बाउंड्री तो लग ही जाएगा, क्लास बैट्समैन है, बीच में बाउंड्री भी लगा देंगे, तो इनके लिए 140-150 का स्ट्राइक रेट इसलिए उतना मुश्किल नहीं होता और पता भी नहीं लगता कि कब 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो ये एक सीख है अगले जनरेशन के लिए कि भैया सिर्फ जो है बड़े हिटिंग से नहीं, दूसरा भी एक तरीका है जहाँ पे आप इतने ही या इनसे ज़्यादा आप इफेक्टिव हो सकते हैं जो बिग हिटर्स हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे पिचेस में जहाँ पर थोड़ी सी गेंद रुक के आए, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाउंड्री लगाना, और बड़े ग्राउंड भी है। तो विलियमसन की वो पारी इज़ अगेन अ मास्टर क्लास। आखिरी और बहुत अहम पॉइंट जो एसआरएच को सोचने वाली बात है वो है उनका मिडल ऑर्डर, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है उनके टॉप 4 के ऊपर, चाहे वो वार्नर बेस्टो मनीष पांडे और विलियमसन,
उसके अलावा जो है प्रियम गर्ग अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन युवा बल्लेबाज उतना अनुभव नहीं है, खासकर जब चेज कर रहे हो तो वो थोड़ा मसला है। विजय शंकर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मिडिल ऑर्डर में वो क्लैरिटी नहीं है कि इनका रोल क्या है, और T20 में वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मैच में बेस्टो, विलियमसन, वॉर्नर, मनीष पांडे ये नहीं चलेंगे। मिडिल ऑर्डर का रोल बहुत ज़रूरी है आगे चलते हुए, खासकर जब पिचेस में घुमाव ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है। आप मुंबई और दिल्ली ऊपर इसलिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा, इतना क्लिक किया है उन दोनों का, तो मिडिल ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। SRH को सोचने की ज़रूरत इस बारे में। डन, मेरी टीम तो तैयार है और आपकी सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। क्रिकेट 2020 इन एसोसिएशन विद प्ले स्पॉट इंडिया।